नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। ब्रिटेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। चीन के शंघाई में बढ़ते कोरोना मामले के कारण लगा है सख्त लॉकडाउन, लोगों में पनप रहा है गुस्सा। खाना और पानी की हो रही है कमी, घरों में कैद है करोड़ों लोग। उच्चायुक्त गोपाल बागले ने दी जानकारी, श्रीलंका में आई आर्थिक संकट के बीच भारत की ओर से मिल रही है मानवीय सहायता। कोरोना से बचाव के लिए भारत में 10 अप्रैल से 18 प्लस को भी लगाई जा सकेगी बूस्टर डोज, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बेंगलुरु के 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस का सर्च ऑपरेशन है जारी। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट के उड़ान का सफल परीक्षण किया। SFDR को हैदराबाद के रक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने संतरे के छिलके से प्राप्त हाइड्रोचार का बतौर कैटालिस्ट उपयोग कर बायोमास से उत्पन्न रसायनों के बायोफ्यूल प्रिक्सर बनाया है। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर राज्य परिवहन के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, वादे पूरे नहीं करने का लगा रहे थे आरोप। UPSLC चुनाव के लिए लखनऊ समेत सभी जिलों में कल होगा मतदान, लखीमपुर और हरदोई में नहीं होगी वोटिंग। बेरोजगार बैठे एक्ट अप्रेंटिस को मिलेगी रेलवे में नौकरी, ललन सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोहराया अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य। नवजोत सिंह सिद्धू का भगवत मान सरकार पर हमला, बोले सप्लाई और रेट ठीक नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी। हिसार में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला बोले शैलजा 2 दिन की मेहमान, हुड्डा बनेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी पहल, आम जनता के लिए लॉन्च किया 1064 वेब ऐप। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला, जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों को अधिकतम 4 वाहनों की मिल सकेगी अनुमति, वही पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार भी अधिकतम 2 वाहनों से ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में गरजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे सुलह, किया योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से 16 दिन पहले हर चौक चौराहे पर किलेबंदी की जा रही है। आपको बता दें कि पंचायत दिवस मनाने के लिए बिस्नाह के नजदीक गांव पल्ली में 24 अप्रैल को PM आने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा नकली दवाओं की जांच के लिए बंगाल में स्थापित होगी प्रयोगशाला। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सूर्यनारायण पात्र ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों में भारतीय कंपनियों के आने से कम होगी चाइना पर निर्भरता। गुजरात में CNG के दाम बढ़ने पर ऑटो चालक यूनियन ने जताया विरोध, बढ़ाया किराया। तुष्टिकरण के आरोप को झेल रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, रामनवमी और हनुमान जयंती में मंदिरों में रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि रोजाना व्यायाम करने से आपकी बॉडी तो चुस्त दुरुस्त रहती ही है, साथ ही आपका माइंड भी हेल्दी रहता है। केंद्रीय रबर बोर्ड ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 2 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट rubberboard.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोलांड ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सूची में सचिन को सबसे ऊपर रखा है और उन्हें तकनीकी रूप से सबसे सक्षम बताया। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की शादी 14 या 15 अप्रैल की रात को हो सकती है। वहीं इस शादी को लेकर खुफिया एजेंसियां चौकन्नी है। आपको बता दें कि इस शादी को लेकर पुलिस के पास गेस्ट लिस्ट भी पहुंच चुकी है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहे और मोबाइल न्यूज 24 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।